कम हुआ यार, सिर्फ एक लाइन पड़ी है। अल्लाह फिर उसका कम निकले, ओवर कॉन्फिडेंट थी। मर्द है उसको लग गया, मेरा बहुत कम निकला, मेरा कम निकला। लेकिन अच्छी कोशिश की, क्या प्रॉब्लम हुई यार? मारती भी आई तुम और यहाँ के कैरी में उठा नहीं रही, हरवाना था इन्हें। मुझे लगा मेरा ब्लड नहीं निकल रहा था, वो निकल रहा था, उसकी आवाज भी नहीं आई तो उठा रही क्यों नहीं थी तुम शीशे? वो मुझे ये लगा ना उसका ब्लड, हार मानना चाह रही थी। नहीं, उसका ब्लड निकल गया तो डिस्क्वालीफाई हो गया, मैं उस सेंस में नहीं था, गलती हुई। मदिया तुम तो बेल्ट उतार के पीछे भाग रही थी इसके, और अभी क्या कौन सी सूरतें पड़ रही हो? हमारी तो ये कोशिश थी कि हम हर हाल में जीते, क्योंकि इन्होंने फिर कहा था कि डेयर के बेस पे अगर हम निकलते हैं तो हम निकलेंगे, ये लड़कियों वाले काम थे, ये फलाने थे फलाने थे। हमने कहा ठीक है, हमने फिर डेयर किया और आज हम इसने किया, हम इस पर प्राउड है। इन्होंने ये बोला था कि ये बोतल लेके ऑडिशन दिया नहीं है इसने, और बोतल लेके आ गई थी और इसने अपनी वीडियो भेज दी, इसने आज तक किया क्या इस शो में, तो आज इसने ये प्रूफ किया कि ये डेयरिंग है। तो बेल्ट उतार के पीछे भागने नहीं, ये हम लोगों ने वैसे ही पकड़ी थी, इसकी थी तो हम लोग वहीं से लेके आए थे साथ। तो गालियाँ तो सिर्फ इनको ना बोलो ना, जब मौका आता तो तुम लोग भी दबा के गालियाँ ही दे रहे थे। गालियाँ वो इस सेंस में दे रही थी कि ये ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी इसको। मैंने कहा है कि तुम में एंड तक करो, अगर आपको महसूस भी हो रहा है ठीक है, इसको पहले समझाया था ब्लीडिंग नहीं भी हो रही, तुमने पूरा टास्क करना है। सबसे अहम चीज़ ये थी कि खून नहीं निकलना चाहिए, खून दोनों का निकला है तो इसका मतलब कंपटीशन अभी के लिए तो बराबर होगा। मैंने कहा मुकाबला हो गया बराबर, वोट आउट नहीं होगा, मैं तो तसल्ली हो गया, मैंने कहा अब वोट आउट नहीं होगा, अब गेम थोड़ी आसान हो गई है यहाँ पर, लेकिन एक विनर होना जरूरी है, बराबर कोई चीज़ नहीं होती। माउंटेन ड्यू लेवल वाली होगा कुछ ऐसे कि हम डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाएंगे। आप ये बता दें किसका खून कम निकला है? कम फीमेल का, फीमेल का कम निकला है, ज्यादा चोटें नहीं लगी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंपटीशन लड़कियां जीत रही हैं। हम चारों इतने खुश थे, हम लोगों ने सबाहत को बहुत हग किया और उसको बताया कि वो बहुत आगे तक जा सकती है अगर हमारे साथ इसी तरह ही हम लोग ग्रुप की शक्ल में काम करें, हम लोग ग्रुप की शक्ल में अगर डेयर करेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। जब फैसला हुआ ना कि लड़कियां जीत गई, मैंने कहा भाई ऐसन तू तो गया, भाई तू तो गया, तू बड़ा बोला था ना लड़कियों के खिलाफ, तू तो भाई आज तो शो से बाहर जाएगा। क्यों काट? सबाहत कैसा लग रहा है जीत के? बहुत कंफ्यूज हूँ यार, मुश्किल था यार, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा जीत के। तो नजफ और हैदर के लिए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, उनको तो वोट आउट करना नहीं था। मेरे और ताहा के बीच में था कि हम में से एक आज घर लाजमी जाएगा। आप तो कंपटीशन जीत गए, अब आपकी मर्जी है, तीन ये लोग हैं चार ये लोग हैं, कुछ कहना चाहते हो सबाहत को तो अभी कह सकते हो। ताहा बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी, इसको सीरियस लो। बस अब आप देख लेना ऐसे जानती हो। बस मैंने तो शुरू से इसको सपोर्ट किया था, मर्जी है इसने निकालना है। जी हैदर, जैसे तुम्हारी मदद में मेरा काम तो दिख रहा है। लड़कों के मुंह लटक गए, एक लड़का हम में से गया, फिर से गुलामी की जिंदगी, फिर से लड़कियों के नाश्ते, फिर उनके कपड़े धोए, फिर जूते उनके उठाए, फिर उनके लिए लंच तैयार करें, ये सब ख्याल हमारे सब लड़कों के जहन में चल रहे थे। मैंने और ऐसन ने तो बोला आज तुम हम में से किसी का आखिरी दिन है और बस ऐसे ही हम लोग घर चले जाएंगे, कि दोबारा जो अथॉरिटी है ना वो लड़कियों के हाथ में आ गई है। ताहा और ऐसन कौन जाने वाला है? एक नाम यहाँ लिखा गया, दोनों 50-50। एक नाम
वो दोनों तो बिल्कुल ही परेशान हो गए क्योंकि डर भी गए हुए थे हम लड़कियों से, और जब ये बात वकार भाई ने की वो तो और ज़्यादा परेशान हो गए थे, और हम लड़कियां बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी हुई थी क्योंकि हमें पता था कि इन दोनों में से ही आज कोई जाएगा। मदिया तुम्हें क्या लगता है किसे निकाला होगा? हसन को। प्लानिंग पूरी हुई भी है? नहीं, प्लानिंग तो नहीं, अभी तो आपके सामने ही गई थी, हमने तो कोई बात नहीं की। मेरा क्या लगता है? नहीं, आपकी प्लानिंग क्या है? प्लानिंग नहीं, उसको समझाया था बी कॉन्फिडेंट, और किसको निकालना है? ऐसन को निकालने की प्लानिंग की भी है ना? वो तो ऑलरेडी वहां पे हम लोगों ने कह चुके हो ना? ठीक है। इरम, ऐसन और सबावत आई है, बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही ना आंखों से, ना कुछ ऐसे इशारे कर रही है कि किसका नाम लिखा है। लड़कियां उससे पूछ रही हैं, वो मासी कल में पढ़ना शुरू कि किसी का, लड़कों में से किसी का नाम लिखा और हम दोनों निकले। पता नहीं क्या जलती थी कि हमने उसकी। हाँ भाई, हैदर और नजफ, तुम क्यों नहीं निकलोगे? तो डर तो हमें भी लग रहा है। तो लड़कों की आ गई ना फिर शामत? क्या करते हो यार, आपको नहीं पता था खून नहीं निकलना चाहिए? पता था सर, लेकिन अब मुझे बताना है कि यहां से कौन बाहर जाएगा। यहां से जो कंटेस्टेंट बाहर जाएगा, ऐसन और तहा, नाम पढ़ेंगे आप लोग। सारे के सारे लड़के, सारे की सारियां लड़कियों के जमीन, पैरों से जमीन निकल गई क्योंकि उसमें जो नाम लिखा था। लिविंग ऑन द एज की हिस्ट्री में इससे बड़ा ट्विस्ट कभी नहीं आया। सारे हैरान परेशान, ये क्या हो गया? असली केस बनने का सामने आ जाता है। यस, ये होती है असली डेट, ये होता है। ऐसन को निकालोगे? क्यों खुश हो रहे हैं ये? बहुत आला प्लानिंग है। पता था सर, इस शो से जो बाहर जाएगा उसका नाम ये है।